बीजेपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको घोषित कर दिया। इसमें खास बात यह रही कि 34 उसने निवर्तमान सांसदों के अपने टिकट काट दिए, और इन 34 निवर्तमान सांसदों में से 3 ऐसे सांसद हैं जो काफी बड़े मतों से जीतने के बावजूद उनका टिकट कटा है। सबसे पहला नाम प्रज्ञा ठाकुर का आता है, जो कि एक विवादास्पद एमपी रही हैं, और इसके अलावा वो काफी बड़ी मार्जिन से जीती भी थी भोपाल की सीट को। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट के उसके बाद पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया। दिल्ली में 2 ऐसे सांसदों के टिकट काटे गए हैं जो सबसे ज्यादा मतों से जिन्होंने अपने विपक्षियों को हराया था। उनमें सबसे पहला नाम साहिब सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे प्रवेश वर्मा का टिकट काटा गया। और फिर रमेश बिदुड़ी, जो कि बहुत ही फायर ब्रांड एक नेता माने जाते हैं, उनका टिकट कटा। लेकिन इन तीनों ही सांसदों का टिकट आखिर कटा क्यों? क्या इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज थे, इसकी वजह से टिकट कटा है? इन तीनों सांसदों के टिकट कटने के पीछे इनका विवादास्पद बयान रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, जैसा कि आपको याद है कि उन्होंने जो महात्मा गांधी की जिसने हत्या की नाथूराम गोडसे, उसको देशभक्त करार दिया था, और उस पर बाकायदा प्रधानमंत्री का बयान तक आया था कि इस बात से उनको बहुत ठेस लगी है, वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग का जब यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था तो उनमें उन्होंने बयान दिया कि मैं तो 1 घंटे के भीतर इस प्रदर्शन को खत्म कर सकता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी एक बार बयान दिया कि अल्पसंख्यकों की दुकानों को बहिष्कार करना चाहिए। तो अपने लगातार जो बयान हैं उनके जरिए वो विवादों में घिरे रहे, उनका भी टिकट काटा गया। रमेश बिदुड़ी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर उन्होंने कुंवर दानिश को एक इस्लामोफोबिक शब्द कहा, वो निहायत ही जो है उसकी चारों तरफ निंदा की गई। बाकायदा बीजेपी को भी जो है राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा और उनका बचाव करना पड़ा। तो एक बहुत ही ऐसी स्थिति में बीजेपी को उन्होंने डाला जिसमें बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में वो रहे। तो रमेश बिदुड़ी भी एक लोकप्रिय सांसद होने के बावजूद जो है वो उनका टिकट काट दिया गया। इनके टिकट कटने के पीछे एक तो इनका बयान तो था ही, दूसरी एक चीज ये भी सामने आ रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच इन सांसदों को लेकर खासी नाराजगी थी। इनकी लोकप्रियता जब सर्वे करवाया गया तो इनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। असल में बीजेपी ने जो सर्वे करवाया था वो हर विधानसभा में तकरीबन 2200 सैंपल के आधार पर सर्वे करवाया गया था, यानी एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं के अलावा 2200 लोगों से उम्मीदवारों के बारे में, सांसदों के बारे में पूछा गया था। और इस सर्वे में पाया गया कि ये तीनों ही जो सांसद हैं, इनके बयान तो विवादास्पद थे ही, इनकी जो लोकप्रियता है वो भी इनके संसदीय क्षेत्र में घटी थी। तो इसके चलते इन तीनों ही 34 निवर्तमान सांसदों का टिकट काटा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित ये तीनों ही सांसद रहे जिनका बयानबाजी की वजह से टिकट कटा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।